हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज नाइन्थ क्लास का सीईटी का पेपर हुआ था और आप सबने पेपर ये दिया होगा। कैसा दिया आप कमेंट करके बता सकते हैं। अलग अलग आंसर्स आप सब आपस में डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो अभी केवल क्वेश्चन पेपर जो आज हुआ था वह दिखा रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उनके काम ये आएगा। बाकी मैंने इसके थ्रू आपसे बात भी करनी थी डियर स्टूडेंट्स कि देखिए आपका ये जो एग्ज़ाम हुआ है ना, ठीक है, इसमें आपने देखा भी होगा पेपर कैसे कैसे आया। और मैं आपको ये बताना चाहता था कि इसका जो रिज़ल्ट है ना वो आपको 40 दिन के बाद मिलता है रिज़ल्ट, ठीक है। बाकी जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपसे बात करूँगा। और डियर स्टूडेंट्स, मैं स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ बनाता हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा सेक्शन ए बी सी डी है, तो आपने देखा होगा कि जब आपने डिस्कस किया होगा आपस में फ्रेंड से, तो क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, बाकी क्वेश्चन सबके सेम थे, ठीक है। तो ये जो इस पर टिक लगे ना, ये आंसर नहीं है, ये एक जो बच्चा है उसने जो क्वेश्चन पेपर है उससे मैंने ये गेट किया है। तो अभी आंसर्स की जो वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड की जाएगी, जो आंसर की डी ओ की तरफ से इशू की जाएगी ना, तो वो भी मैं आपको इस एक वीडियो बनाकर जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी हो सका तो मैं आज आपको मैथ्स के जो सॉल्यूशन है ना तो वो प्रोवाइड कर दूंगा। ये अभी आंसर्स नहीं है, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ। बच्चे ना आधा या बहुत कम वीडियो को देखते हैं, तो जिसकी वजह से वो गलत जो है इंटरप्रिटेशन कर देते हैं उस चीज़ को, तो वो गलत है, ठीक है। और जो जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी ना मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप आराम से इस पेपर को देख लें और ताकि आप डिस्कस कर देना, जैसे जिसका जो भी आंसर होगा ना, जैसे आप सैट जरूर लिखना, और ताकि और बच्चे जब उसको मैच करेंगे तो आपस में कंपैरिजन हो जाएगा और स्टडी हो जाएगी, जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो जो बच्चे जैसे आप देख रहे हैं, अगर नेक्स्ट ईयर के हैं, तो मैंने पहले की भी वीडियोज़ डाली थी और मैं स्कूल के रिगार्डिंग वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप चाहे तो चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। एक आधा अगर ब्लर है ना तो आप थोड़ा सा इधर देख सकते हैं और थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है डियर। इतना ही था इस वीडियो में, तो मतलब पूरा पेपर दिखाऊंगा, बस अब इतना ही कहना था मुझे, ठीक है। तो पेपर जो था आपको पता ही है कि कितने पार्ट में डिवाइडेड था, जेई और नीट के लिए था। जेई वालों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करनी थी और नीट वालों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करनी थी। तो यही था, पहले पेपर आप देख भी सकते हैं, जो बच्चे मतलब बाद में देखेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए कि पेपर में क्या क्या कैसे कैसे करना था। बाकी बहुत सारी वीडियोज़ बना भी रखी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स। आंसर्स अभी नहीं किए गए, केवल क्वेश्चन पेपर दिखाया गया, ताकि नेक्स्ट ईयर बच्चे और जो अभी जिन्होंने पेपर दिए वो आपस में डिस्कस कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।